बसमिल्लामसली रसू नहल करीम अम्माबाद आ हजरत सल्म ने इशाद फरमाया है कि आँख भी जिना करती है और आँख का जिना देखना है नीज फरमाया तीन आंखों को जहन्नम की आग न छुएगी वो आग जिसने अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों की तरफ न देखा वो आग जिसने राह खुदा में हिफाजत की और वो आग जो खौफे खुदा की वजह से रो पड़ी हत ईसा अलीलाम ने भी फरमाया है कि जो आदमी किसी औरत की तरफ शहवत की नजर से देखे उसने गोया उसके साथ अपने दिल में जिना किया इससे मालूम हुआ कि आंख से देखना भी लज्जत परस्ती और जीना की एक किस्म है लजत नजर भी इंसान के लिए लुत्फानदोजी का बहुत बड़ा जरिया है लोगों ने लज्जत नजर ही के लिए तो येमाम किए हैं कि बेपना दौलत सर्फ़ करके मकानों उनकी दीवारों और उनकी छतों को मुजयन किया बागत लगाए और उन्हें दरख्तों और फूलों से जीनत बख्शी और नहायत फक्रिया और कीमती साजो सामान के साथ घरों की आरइश और जेबाइश को चार चांद लगाए जो सिर्फ और सिर्फ लज्जत नज़र के लिए हैं, उनका कोई और फायदा नहीं फिर लज्जत नज़र तो हर लज्जत में शरीक है इसी वजह से तो कहा जाता है कि आंख मुंह से ज्यादा खाती है बल्कि बेहतरीन खाने की तरफ सिर्फ देखने ही से मैदे में निज़ाम हजम को पाए तकमील तक पहुंचाने वाली रतूबतें बेदार हो जाती तो जब मुंह से खाने के बजाय आंख बेहतरीन खानों और खुश रंग फलों को देखने से ज्यादा लुत्फानदोज होती है तो हसीनों महजबीनों हुस्न जमाल और बागपन के पैकर नाजरीनों की तरफ देखने की लज्जत से कौन इनकार कर सकता है लेकिन तकवा शार और परहेजगार मुसलमान को यही बात जेब देती है कि वह अपनी आंखों को झुकाकर रखे शहवत सिर्फ उसी वक्त भड़कती है जब उसे बेदार होने की दावत दी जाए और अपने हुस्न जमाल की नुमाइश करने वाली औरत शहवत भड़काने बेदार करने और मर्दों को गुमराह करने के जुर्म की मर्तकब होती है और इसी की बदौलत माशरे में फितना और फसाद बरपा होता है माशरे की अक्सरियत उन नौजवानों की होती है जिनमें शबाब की लहरें मोजन होती हैं और वो बेहिजाब हुस्न को देखकर साहिज से उछल पड़ती हैं बल्कि वाशगाफ अल्फाज में क्यों न कह दूं कि नौजवान जब उड़िया गोश को देखते हैं तो उनकी नफसियाती भूख बेदार हो जाती है और भेड़ियों की तरह गुर्राने लगते हैं और हर उस चीज के दर पे हो जाते हैं जो उनको इस भूख को मिटा सके ख़्वा वो बदबूदार और गली सड़ी लाश ही क्यों न हो वो मक्खियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं उन औरतों को अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए जो शैतान की उंगलियों पर नाच रही हैं और आदमियों को जहन्नम की तरफ ले जा रही हैं। माशरे को उनकी तबाकारीयों से बचाने के लिए इंतहाई जरूरी है कि औरतें पर्दे की पाबंदी करें और बेजा व जीनत के इजहार से बाज रहें बेशुमार तबाहियां और बर्बादियां सिर्फ एक नज़र देखने के नतीजे में पैदा हुईं और सिर्फ एक मंजर ने मिया बीवी को एक दूसरे से जुदा कर दिया और बच्चों को गहरे गढ़े में ढकेल दिया तमाम मुसीबतें और आफतों की बुनियाद नजर है पहले सिर्फ एक नजर पड़ी फिर सलाम और कलाम का आगाज हुआ तमाम हवािस का आगाज नजर से होता है जैसे कि मामूली से शरारे से आग का बहुत बड़ा लावा भड़क उठता है कितनी ही नजरें ऐसी हैं जो मुकाबिल के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो जाती हैं, हालांकि बाहिर वहाँ न कोई कमान है और न तीर नज़र की हिफाजत करने से अल्लाह के नाम की हलावत और ईमान की हलावत मिलती है इसलिए जब हम बाजारों में चलें घर से निकले तो ये नीयत कर लेरमों को नहीं देखूंगा और अल्लाह से दुआ मांग ले ताकि इतनी कीमती शय अल्लाह के नाम की और ईमान की हलावत हम सबको आसानी से मिल जाए अल्लाह हम सबको बामल बनाए